मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक महिला से जूते के फीते बंधवाने के मामले में एसडीएम पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चितरंगी एसडीएम को हटाने के निर्देश दे दिए। दरअसल मामला सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई जिसमें चितरंगी एसडीएम असवान राम चिरावन एक महिला से जूते के फीते बंधवाते दिख रहे हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो सीएम मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए एसडीएम को हटाने के आदेश दे दिए। सीएम दफ्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिंगरौली जिले के चितरंगी में एसडीएम द्वारा एक महिला से उनके जूते के फीते बंधवाने का मामला सामने आया है जो अत्यंत निंदनीय है। इस घटनाक्रम को लेकर एसडीएम को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार में नारी सम्मान सर्वोपरि है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिकायत आने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने से नहीं चूक रहे। साजापुर में ड्राइवर से औकात पूछने वाले कलेक्टर के बाद अब देवास में किसानों से अभद्र भाषा में बात करने वाली महिला तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इससे पहले सीएम यादव ने अपनी सख्ती का परिचय देते हुए गुना बस हादसे के बाद ऊपर से लेकर नीचे तक के अफसरों पर गाज गिराई थी। हाल ही में माधवगढ़ एसडीएम द्वारा ओवरटेक करने पर कार सवार युवक की पिटाई के मामले में सीएम ने कार्रवाई करते हुए निलंबन के आदेश दिए। संकच तहसीलदार अंजलि गुप्ता का किसानों के साथ बदतमीजी का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई करते हुए जिला मुख्यालय अटैच कर दिया। ट्रक ड्राइवर की हड़ताल के समय साजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल के ड्राइवर को औकात बताने वाले वीडियो के वायरल होने पर उन्हें कलेक्टर पद से हटा दिया गया।